नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक साथ बिस्तर में सोने से कपल्स का रिश्ता मजबूत बन जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। सोचिए कि आप उस समय क्या करोगे जब आपकी उम्र बढ़ रही होगी और आपकी कामेच्छा पर भी उसका पूरा असर पड़ रहा होगा। आपका सेक्स कम हो जाएगा तो ऐसे में आपको अपना रिश्ता बेहतर बनाने के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको करीब लाने में, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकती है और आपके रिश्ते को बांध के रखने में काम आएगी। तो ये कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज आपका रिश्ता बेहतर बनाएंगी ही और साथ ही साथ आपके पार्टनर को आपको समझने में भी मदद करेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी जब आपका सेक्स कम हो जाएगा तब। इसमें सबसे पहली चीज वो है, आप दोनों मिलके किसी चिड़ियाघर या फिर जू में एक साथ जा सकते हैं। जी हाँ, आपको ये अटपटा लग सकता है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में छिपा बच्चा उस वक्त निश्चित रूप से बाहर आएगा और आपके साथी को आपके उस पक्ष को देखने दीजिए जो शायद उसने कभी नहीं देखा है। इससे आप एक दूसरे की पसंद को समझ पाएंगे। आपको एक दूसरे को समझने के लिए समय बिताना जरूरी है। जब हम वहां जाते हैं तो ज्यादातर समय हम वयस्क बचपन की कुछ यादें साझा करते हैं और वो आपको आपका जो पक्ष है वो दिखाता है। आप एक दूसरे को अपने बारे में जो भी चीजें हैं वो आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप बता सकते हैं। अब अगली चीज आपको ये करना है, आप एक साथ म्यूजिक सीख सकते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। जी हाँ, कुछ म्यूजिक लेसन्स का ऑप्शन आप चुने, चाहे वो गिटार हो, पियानो हो, हारमोनियम हो या फिर तबला हो। हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यह आपके जीवन में संगीत लाने और एक सामंजस्य जोड़ने का सिर्फ एक तरीका है जो आपकी शादी का रिश्ता हमेशा के लिए जीवित रखेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ऐसा करते हैं ताकि आप साथी कभी ऊब ना जाए। जब आप दोनों इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो यह आपके रिश्ते के लिए बहुत ही बेहतर होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर या फिर आपकी पार्टनर इसमें पहले रुचि ना दिखाए, वो सपना अब आपका पूरा हो जाएगा। अब अगली चीज, आप एक दूसरे को लेटर लिखें। जी हाँ, यदि आप काम या फिर किसी भी कारण से अलग अलग घरों में रहते हैं तो पोस्टकार्ड और लेटर युग के पुराने समय से आप प्रेरणा लें। उसमें रोमांस था। ईमेल ठीक है लेकिन अगर आप एक दूसरे को पत्र लिखेंगे तो यह ज्यादा रोमांटिक रहेगा। यह पहले के लोग किया करते थे जिसमें एक्साइटमेंट होती थी। इसे आजमाएं, आपको इसका पछतावा कभी नहीं होगा, यह मैं मेरे स्वानुभव से कहता हूं। यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में कारगर रहेगा। अब अगली चीज, आप दोनों ही पिकनिक पे चले जाएं। जी हाँ, बस आप दोनों ही पिकनिक पे खाना लेकर चले जाएं। शराब या फिर अपने पसंद का पेय भी आप साथ में रखें। वहां रेडियो पे संगीत और आप दोनों हरियाली के बीच एक चटाई पे लेट जाएं। ये बहुत ही परफेक्ट तस्वीर है जिसके लिए हर कपल तरसता है। इसे महीने में कम एक बार जरूर करें। ये आप दोनों को करीब लाने में बहुत ही सही रहेगा। अब अगली चीज, आप दोनों यात्राएं करें, ट्रैवल करें। यह हमेशा कहा जाता है कि अपने साथी के साथ ट्रैवल करने से आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आपको खर्च करने के लिए अधिक समय मिलता है और आपका सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय जो है वो आपके सामने आता है। तो निकल जाइए किसी ऐसी यात्रा पे जहां पे आपने पहले कभी नहीं गए हैं या फिर कभी वो जगह देखी नहीं है लेकिन वो नेचुरल हो। वहां पे आप दोनों ही चाहिए और उस यात्रा का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा
या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये टिप्स जो है ये आपके रिश्ते को मजबूत रखने में कितनी हेल्पफुल है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।